मैं सबसे पहले आपका परिचय चाहूंगा कि आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं और खास मुंबई फिल्म एकेडमी में आप क्या सीख रही हैं। मैं सकीना अहमद और मैं बिहार से हूँ और मैं यहाँ फिल्म डायरेक्शन मेकिंग सीख रही हूँ। सकीना जी, आप ये बताइए कि आपके मन में फिल्म लाइन में, फिल्म मेकिंग डायरेक्शन क्षेत्र में प्रवेश करने की बात कब आई? जब मैं क्लास 9 में थी और मैंने जब वांटेड देखा तो मुझे लगा कि जब इतनी अच्छी फिल्म बन रही है तो इसे कोई बनाने वाला भी होगा। और मैंने जब सर्च किया तो मुझे मालूम हुआ कि अच्छा डायरेक्टर भी होते हैं, एडिटिंग भी होती है फिल्मों में, तो मैंने डायरेक्टर बनने का सोचा उस वक्त। सकीना जी, आप एक कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार से हैं और आपके मन में जब पहली बार फिल्म बनाने की बात आई, फिल्म लाइन में प्रवेश करने की बात आई, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? जब मैंने अपने मम्मी पापा से बोला कि मुझे फिल्म डायरेक्शन में जाना है और डायरेक्टर बनना है, तो उन्होंने बोला कि ये कोई करियर नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बात है, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, एमबीए करो, सीए करो, लेकिन फिल्म डायरेक्शन में नहीं जाना। अगर तुम एक लड़का होती तो मैं एक बार सोचता भी, लेकिन तुम एक लड़की हो, तुम ये पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से आपने अपने माता पिता को कन्विंस किया या आप उनको कन्विंस कर पाई और आज आप मुंबई फिल्म एकेडमी में एज ए स्टूडेंट फिल्म मेकिंग डायरेक्शन सीख रहे हैं? ऐसी क्या बात थी जो आपने अपने माता पिता को कन्विंस किया? मेरे दिमाग में हमेशा ही चलता रहता था कि मैं फिल्म बनाऊं, वो एक ग्लैमर वर्ल्ड में जाऊं, वैसे एक्सपीरियंस करूं। मेरा शौक शुरू से वही था कि मैं एक अलग सोचूं और एक अलग काम करूं। मेरे फैमिली में सभी बिजनेसमैन है, तो मैंने सोचा नहीं, मैं एक लड़की हूं तो मैं ये नहीं कि लड़की हूं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी कि मेरी फैमिली सोचेंगे कि हाँ, मेरी बेटी ने क्या किया है और कितना नाम रोशन किया है। ये हो सकता है मेरे करियर का बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन हो कि हाँ, मैं अगर डायरेक्टर बनती हूँ तो इसमें मुंबई फिल्म एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान होगा। अब एक क्लिक हुआ कि हाँ नहीं, मुंबई फिल्म एकेडमी में जाना है। तो मुंबई फिल्म एकेडमी प्रवेश करने के लिए या यहाँ ज्वाइन करने के लिए क्या क्या किया आपने, किससे बात की, क्या ऑनलाइन इसके बारे में बताया, कैसे प्रवेश यहाँ मिलता कैसे? मैंने जब नेट पर सर्च किया तो नंबर फ्लैश हो रहे थे, तो मैंने उस पर कॉल किया तो अनिल चौरसिया जी ने फोन उठाया और उन्होंने सारी डिटेल्स दी कि क्या रूल है, रेगुलेशंस हैं। मैंने उसको फॉलो किया एंड मैं अभी यहाँ मुंबई फिल्म एकेडमी में डायरेक्शन कोर्स सीख रही हूँ। वेरी गुड। सकीना जी, आप मुंबई फिल्म एकेडमी के फैकल्टी मेंबर्स के बारे में, जो ये आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, यहाँ के जो स्टाफ है और यहाँ के जो हॉस्टल की सुविधाएं हैं, इनके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। यहाँ के फैकल्टीज बहुत ही सपोर्टिंग, बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि अनिल सर, वो बहुत अच्छे हैं, एंड अरविंद सर, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की बहुत अच्छी है, आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होती है, कैमरा मिलते हैं, एडिटिंग के लिए भी आपको मिलती है क्लासेस एक्स्ट्रा, एंड प्रैक्टिकल होता रहता है और शूटिंग भी होती रहती है, तो हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत ज्यादा सीखते हैं। वेरी गुड। सकीना जी, आपका अब तक का सफर जो है पिछले 5 महीनों का मुंबई फिल्म एकेडमी कैसा रहा, इसके बारे में एक बार फिर से बताएं। 5 मंथ्स जब मैं सोचती हूँ अभी तो लगता है कि तुरंत निकल गया, इतना अच्छा सफर था। मैं सोचती हूँ कि कब मैं, मतलब 5 मंथ पहले मैं क्या थी और अब क्या हूँ, जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि हाँ, कितना चेंजिंग आया मेरे में और मैंने कितना सीखा है यहाँ रहकर। सकीना जी, आप ये बताएं कि आगे जो स्टूडेंट्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, फिल्म स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश, उनके लिए कोई बात आप अगर बताना चाहें, जो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं नए लोग, उनको कुछ अगर आप बताना चाहें तो? मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप मुंबई फिल्म एकेडमी में आ रहे हो तो बेफिक्र होके आओ, यहाँ आओ और फिर आप सब कुछ छोड़ दो सर के ऊपर, जितने भी फैकल्टीज है वो आपको वो चीज बना के देंगे। आप एक्टर बना रहे तो आपको एक्टर बना के ही छोड़ेंगे।